संघीय विधानमंडल, मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभा राम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम विधायिका अर्थात केंद्रीय संसद, जिसे संघीय विधानमंडल कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। संसद से तात्पर्य राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है, किंतु संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, रचना, अवधि, अधिकार, शक्तियां आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद की संरचना संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। अर्थात भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जिसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह संसद की स्थायी एवं शाश्वत इकाई है, अर्थात राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा केंद्र में राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करती है, लेकिन भारत में अमेरिका के समान संसद के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, जैसा अमेरिका की सीनेट में है, वैसा भारत की राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर है, अर्थात बड़े राज्यों से ज़्यादा प्रतिनिधि और छोटे राज्यों से कम प्रतिनिधि जाते हैं। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। शेष 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 233 सदस्यों का चुनाव 28 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 व पुदुचेरी से 1 के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, तथा 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं होता है, अपितु अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल, जिन्हें विधानसभा कहा जाता है, के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों और दलों का प्रतिनिधित्व भी हो सके। अवधि एवं सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात यह कभी
विघटित नहीं होता है और निरंतर कार्य करता रहता है। संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अमरीकी सीनेट की भांति 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। भारत में अमरीकी सीनेट की भांति राज्यसभा के सदस्य पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेगा वहां के संसदीय क्षेत्र का वह मतदाता हो, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। लेकिन इनमें से अंतिम अर्हता की बाध्यता को वर्ष 2003 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा के कार्य राज्यसभा के पदाधिकारियों में सभापति, पहला राज्यसभा भारत का उपराष्ट्रपति डिप्टी चेयरमैन, अमेरिका की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 पदेन सभापति से तात्पर्य है कि उपराष्ट्रपति पद के कारण राज्यसभा का सभापति पद प्राप्त करता है और सदन में पीठासीन होता है। जब सभापति राष्ट्रपति के रूप में अर्थात उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है और सभापति के कर्तव्य उपसभापति द्वारा पूरे किए जाते हैं। दूसरा पदाधिकारी राज्यसभा का है उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों से ही चुना जाता है। यह अपने पद पर तब तक कार्य करता है जब तक उसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के संकल्प द्वारा हटाया न जाए। तीसरा राज्यसभा का महासचिव। राज्यसभा का महासचिव सदन का तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। वह सभी संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं व प्रथा संबंधी मामलों में सभापति का, सदन का और सदस्यों का सलाहकार होता है। यह भी लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का स्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। अब है राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। भारत में राज्यसभा न तो अधिक शक्तिशाली है और न ही बहुत कमजोर। बहुत से मानकों में उसे लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में, विशेषकर वित्तीय मामलों में, वह लोकसभा से कम शक्तिशाली है। कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक आपातकालीन प्रावधान महाभियोग तथा उच्च अधिकारियों को उनके पद से हटाने जैसे उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक के संबंध में भी राज्यसभा का पक्ष कमजोर है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, अर्थात या तो उपयुक्त सुझावों के साथ वह लोकसभा को धन विधेयक लौटा सकती है या 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन बाद धन विधेयक यदि भेज देती है लोकसभा के पास तो ठीक है, अन्यथा 14 दिन बाद उसे पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के तक लोकसभा को सहमति प्रदान करके धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो राज्यसभा की सहमति के बिना ही विधेयक पारित हुआ माना जाता है।
इस प्रकार ये राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ थी। अब है राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार। ये महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा ऐसा संकल्प एक वर्ष से अधिक समय के लिए पारित नहीं किया जा सकता है, परंतु पुनः इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर संसद विधि द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही रखा जाता है। इस प्रकार ये राज्यसभा की विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियाँ हुई। धन्यवाद।